لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتداخر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك وصفيك نبي الرحمة وقائد الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلوات بعد محمد استقبال اعضاء سے متعلق یہ مجلس منعقد ہے خصوصیت کے ساتھ مومنین کرام جہاں بھی یکجا ہو جائیں اور جمع ہو جائیں اور جتنی تعداد میں آ جائیں جہاں بیٹھ جائیں جہاں ان کی نشست ہو جائے وہ مقام ہی مجلس کا مقام ہوتا ہے اس لیے کہ سرکار نے یہی فرمایا بھی ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے زینت دو لہذا عام طور سے جتنے بھی مومنین کرام ہیں یہ جہاں بیٹھ جائیں گے وہاں مجلس ہو جائے گی اور ہم تو بہرحال پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں ہماری خلقت بھی اسی لیے ہوئی ہے بس ایک خصوصی بات یہ ہے عام طور سے جو محافل اور مجالس میں پیش نہیں کی جاتی یہ انسان جو دنیا میں آیا ہے اس انسان کے سر پر جو اللہ نے تاج اشرفیت رکھا ہے اور دوش پر جو ردائے اشرفیت ڈالی قبائے اشرفیت سے اس کے بدن کو مزین کیا ہے یہ سب کچھ ایک عنصر ہے ایک ملکہ ہے ایک قوت ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے
इस इंसानियत की खिलकत के बाद अल्लाह ने कहा था, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, परवरदगार वो है जो बेहतरीन पैदा करने वाला है। अब इस इंसान को जब अल्लाह ने बनाया, वजूद अता किया, तो चार चीज़ों से आम तौर से, आग, पानी, मिट्टी, हवा, और ये चारों चीज़ें जब मुरक्कब होती हैं, यकजा होती हैं, तो दो किस्मों में मुनकसिम हो जाती हैं, दो किस्मों में जमा हो जाती हैं। या इस इंसान के अंदर हैवानी जबिल्लत पाई जाएगी, या इस इंसान के अंदर मलकूती जंबा पाया जाएगा। यानी ये इंसान या तो ख्वाहिशाते नफसानी का पाबंद हो के वो अमल करने लगेगा जो जानवर भी करने पर आमादा नहीं होते, या ये इंसान अब मलकूती जंबा जब इसके ऊपर गालिब आएगा तो इंसान मंजिलों को हमवार करता हुआ, राह इर्तका से होता हुआ, ज़मीन को छोड़ के फ़ज़ाओं में परवाज़ करता हुआ, फ़ज़ाओं से आगे बढ़ के आसमान के सीने को चाक करता हुआ उस मंजिल तक पहुँचेगा कि एक मकाम पर फरिश्ता कहेगा, लो दनो तो लह तरक तो, अगर एक अंगुल के बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। ये इंसान है जिसकी फजीलत खालिके कायनात जगह जगह कुरान मजीद में बयान कर रहा है। लेकिन जब यह इंसान अपनी इंसानियत को बचा नहीं पाता, जब यह इंसान अपनी इंसानियत को अपने से दूर कर देता है, जब इस इंसान के ऊपर हैवानी जबिल्लत गालिब आने लगती है, तब यह इंसान इर्तका के लिए बनाया गया है मगर पस्तियों में जाने लगता है, बुलंदी के लिए बनाया गया है मगर इंसान जिल्लत और रुसवाई के गार में जाता हुआ नजर आता है, यह इंसान मंजिले कमाल के लिए बनाया गया है मगर चूंकि हैवानी जबिल्लत गालिब आ रही है लिहाजा यह इंसान पस्तियों में जा रहा है। मिसाल के तौर पर इंसान अगर किसी इंसान, जितने भी इंसान हैं तवज्जो फरमाइए, उनकी अलग अलग मंजिलें, साहिबान इस्लाम भी हैं, साहिबान ईमान भी हैं, जिसके जितने ज्यादा रुतबे और जितनी ज्यादा फजीलतें इंसान को दस्तियाब होती चली जाती हैं, पहली फजीलत इंसान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि यह इंसान इंसान है। मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में इशाद फरमाया, पूछने वाले ने पूछा कि मौला आप अपनी सबसे बड़ी फजीलत बयान फरमाइए, तो मौला ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि उसने मुझको इंसान बनाया है। तवज्जो है साहिबान फिक्र फहम। और फिर उसके बाद मौला अपनी फजीलतें गिनवाते चले जाते हैं, मुझे मंजिल सिर्फ इस मंजिल पर कि इंसान। अब ये इंसान बाफजल है, बामर्तबा है, साहिब फजीलत है, साहिब अजमत है, साहिब करामत है। इस इंसान के अंदर वो खसूसियतें पाई जाती हैं जो किसी और मखलूक के अंदर नहीं पाई जाती। लेकिन ये इंसान जब हैवानी जबिल्लत और उसी के साथ साथ जितने भी हैवानी गलबे होते हैं इसके ऊपर गालिब आने लगते हैं, तो इंसान पस्तियों की तरफ माइल होने लगता है। यहाँ तक कि इंसान के ऊपर जब हैवानी जबिल्लत गालिब आती है तो इंसान नमाजों से किनारा कशी अख्तियार करता है, इंसान के ऊपर हैवानी जबिल्लत गालिब आती है तो रोज़ा खोर बन जाता है, इंसान के ऊपर हैवानी जबिल्लत गालिब आती है तो इंसान अपने ही जैसे भाई की गीबत करने लगता है, इंसान के ऊपर हैवानी जबिल्लत जब गालिब आती है तो इंसान बोहतानबाज बन जाता है, इंसान के ऊपर जब हैवानी जबिल्लत गालिब आती है तो फिर यही इंसान इल्जाम तराश बन जाता है, और फिर ये इंसान इतनी पस्ती में जाने लगता है, इतनी पस्ती में जाने लगता है तारीख जुमला कि ये सोच के रोता है कि आवाज ऊपर आए मगर आवाज ऊपर नहीं आती। तवज्जो, पूरी पूरा तारीख जुमला, ये सोच के रोता है कि आवाज ऊपर आए मगर आवाज ऊपर नहीं आती, और ऊपर मकड़ी भी हंस रही है, कबूतर के अंडे भी पड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि इंसान देख तू इतनी पस्ती में चला गया कि अब तेरी कोई हैसियत नहीं रही, तू इतनी पस्ती में चला गया कि अब तेरी कोई हैसियत नहीं रही, और हम मामूली कीड़े होके एक परिंद होके इस बुलंदी के ऊपर पहुंचे हुए हैं कि हमारे जरिए से कम खातिमुल मुरसलीन की हिफाजत हो रही है। तवज्जो। लेकिन जब इसी इंसान के ऊपर मलकूती जंबा गालिब आता है, तो जब ये मलकूती जंबा इंसान के ऊपर गालिब आता है तो यही इंसान वो इंसान है
जिसके सर के ऊपर ताजे अशरफियत भी है, ये दोष के ऊपर रुदाए अशरफियत है, जिस्म के ऊपर कबाए अशरफियत भी है। इंसान इस शान के साथ चलता है कि जैसा इंसान देख रहा है वैसा ही ये भी महसूस हो रहा है, लेकिन सामने वाला इंसान समझता है कि मैं भी इसके जैसा, मगर अल्लाह बता रहा है कि तू उम्मत में शामिल है, ये या नबी है या इमाम। अजमत पहचानिए और देखिए, माशाल्लाह ये मोमिनीन का मजमा है। हम ही कल भी थे और हम ही आज भी हैं। सबसे पहली मजलिस में यही गुफ्तगू कर रहा हूं अजीजाने मोहतरम। 1000 बरस पहले का भी वाकया यही मिलता है पैगंबर इस्लाम की आमद के, कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी का खानवादा था जो सिलसिला दर सिलसिला इंतजार कर रहा था, सिलसिला दर सिलसिला इंतजार कर रहा था। पैगंबर ने बताया कि देखो इस इंसान की इंसानियत उस बुलंदी के ऊपर फायद है कि इसके यहां हमारी भी अमानत है और जो हमारे जैसा इंसान कामिल है उसकी भी अमानत। लिहाजा तुम इंसान होके नहीं जानते कि कहां उठना चाहिए कहां बैठना चाहिए, तुम इंसान होके नहीं जानते कि कहां चलना चाहिए कहां नहीं चलना चाहिए, तुम इंसान होके नहीं समझ पाते कि किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम जब अपना फैसला छोड़ेंगे तो यह ऐलान करेंगे कि जहां मेरा नाका बैठ जाए, पूरी तारीख है यानी जहां मेरा नाका बैठ जाए। चुनांचे हुआ भी ऐसा कि जब लोगों ने देखा कि सरकार हिजरत करके तशरीफ ला रहे हैं तो लोगों ने कहा हमारे यहां हमको ये शरफ हासिल हो जाए, हमको ये शरफ हासिल हो जाए, हमको ये शरफ हासिल हो जाए, लेकिन सरकार ने फरमाया कि जहां मेरा नाका बैठ जाए वही मेरी मंजिल है। तो वो सिलसिला और वो नस्ल जो 1000 साल से पैगंबर का इंतजार कर रही थी, नस्लन बादा नस्लन, ये नस्ल जब हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास पहुंची तो एक मर्तबा नाका भी चला तो उन्हीं के दरवाजे पर बैठा और बैठने के बाद बताया कि देखो वो नबी जो हमारी पुश्त पर थोड़ी देर सवारी कर ले वो हम जानवरों को भी इतना शऊर दे देता है, हम जानवरों को भी इतना शऊर दे देता है कि हम जानने लगते हैं कहां बैठना चाहिए कहां नहीं बैठना चाहिए। तो कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए यह कानून बन गया कि जिसका नाका इतना शऊर रखता हो उस नबी का ज़हन कितना बुलंद हो। सलावत पढ़ दो बर मोहम्मद और आले मोहम्मद, सिलसिला रखिए माशाल्लाह। हम इंतजार फरमा रहे हैं, जुनैद तशरीफ लाए, कहा जहां नाका बैठ जाए, इधर नाका आगे पहुंच रहा है उधर काफिला लेके निकल रहे हैं, मौला आ गए, मौला तशरीफ लाए, आका की भी आमद हो गई, इधर से पैगंबर इस्लाम ने कहा नस्लन बादा नस्लिन अबू अय्यूब अंसारी मेरी अमानत जो तुम्हारे पास रखी हुई है पहुंचाओगे नहीं? देखिए आपका क्या वकार है, पहुंचाओगे नहीं? कहा या नबिल्ला मैं उसी लिए हाजिर हुआ हूं, आपको सलाम भी कहा गया है, यह आपकी अमानत भी है। सरकार ने देखा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उस अल्लाह के पैगंबर के ऊपर ईमान लाता हूं जिसको मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, मेरी गवाही आप दीजिएगा सरकार। एक नस्ल गुजर चुकी है, तवज्जो, सदियां हो गई, एक नस्ल गुजर चुकी है, और फिर उसके बाद कहा एक मरतबा आगे बढ़ के अली तुम्हारी भी कोई अमानत है? कहा हाँ या नबिल्ला। आगे बढ़े, कहा मेरी भी कोई अमानत है अबू अय्यूब? कहा हाँ मौला आपकी भी अमानत है। कहा मेरी अमानत है? कहा हाँ। लाओ अब देखा तो फिर उसके बाद दो कलमे के बाद लिखा हुआ था अलियुम वलीउल्लाह, है ना, अलियुम वलीउल्लाह लिखा हुआ था। कहा ठीक है इंशाल्लाह मैंने ये अमानत कबूल की, और उसके सलाम का मेरे मौला ने जवाब दिया, कहा तुम्हें मुबारक हो, कहा मौला आपका आना मुबारक हो, हमारी कई नस्ल गुजर चुकी है आपके इंतजार में, हमारी कई नस्ल गुजर चुकी है आपके इंतजार में। कहा हम आ गए हैं, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? कहा आगे ये लिखा हुआ है कि इन दोनों शख्सियतों को मेरी अमानतें देने के बाद ये कहना कि आज से बरसों पहले एक बादशाह दुनिया से आप दोनों शख्सियतों पर ईमान ला के गुजर चुका है, उसकी शहादत आप दोनों हजरात दीजिएगा। नबी ने भी कहा कि मैं गवाही दूंगा कि वो मुसलमान गया है, मौला ने भी कहा कि मैं गवाही दूंगा कि वो मुसलमान गया। अरे सैकड़ों बरस पहले नबी के वजूद से पहले, नबी के जाहिरी वजूद से पहले
अगर कोई गायबाना इस्लाम लाके दुनिया से रुखसत हो जाए तो नबी उसके इस्लाम की जामिन बन जाते हैं। तो जो नबी को उठाए, अपनी आगोश में परवान चढ़ाए, अपने सीने से लगाए और कहे कि जब तक अबू तालिब जिंदा है कोई कुछ कर नहीं सकता, बताइए उसका ईमान किस मंजिल के ऊपर पाए। यही इंतजार था। माशा अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये हमारी नस्लें हैं और इन नस्लों के जरिए से हमारे जैसे जैसे तलबा भी सामने आते हैं। ये इतनी मोतबर नस्ल है कि कल भी अजीजाने मोहतरम इंतजार किया हमारी नस्लों ने, तवज्जो है, इसी मोतबर नस्ल ने कल भी इंतजार किया, एक नबी का भी इंतजार किया और नबी के वसी का भी इंतजार किया। आज भी माशाल्लाह हम ही एक इमाम का इंतजार कर रहे हैं और कायनात में जितने अपराध इंतजार कर रहे हैं सब लाके मुबारकबाद हैं। लेकिन जरा यह सिलसिला देखिए, उन इंसानों की औकात क्या होगी जिन्होंने खुद को पहचाना ही नहीं। अल्लाह ने भी कह दिया, इंसान मैंने तुझे बनाया था तो तेरी तारीफ की थी, ताजे अशरफियत तेरे सर पर रखा था, रिदाए अशरफियत तेरे दोष पर डाली थी, कबाए अशरफियत से तेरे बदन को मुजयन किया था। ए इंसान, अब तू नहीं जानता, तो जब नहीं जानता और अपनी औकात भूल चुका है तो अब सुन, ऐसे जगह तेरा तस्करा करूंगा कि जहां एक मामूली कीड़े का तस्करा हो रहा। तवज्जो फरमाइए, सूरह नहल, नहल मधुमक्खी सभी जानते हैं, शहद की मक्खी को कौन नहीं जानता होगा। और इस सिलसिले में बहुत सी गुफ्तगू आपके सामने हो गई होगी, लेकिन जरा मेरी मंजिल आगे है, जरा अंदाजा फरमाएं। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातकुम ला तअलमून शैया। इंसान अपनी औकात पहचान, जब तू अपनी माँ के शिकम से बाहर लाया गया था तो कुछ नहीं जानता था। अच्छा, आयत ही बता रही है कि ये इंसान जब माँ के शिकम से बाहर लाया गया था तो कुछ नहीं जानता था, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ और इंसान हैं जो जानते थे। महसूस करना आपका काम है, अरबाबे बिला हैं आप, हैं? इंसान की औकात अल्लाह बता के यह बता रहा है कि यह इंसान वो है जो मां के शिकम से जब निकाला गया तो कुछ नहीं जानता था। और कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में इसी कुरान में ऐलान होता है, वर्रासखूना फिल इल्म, है या नहीं है? एक इंसान वो है जो मां के शिकम से बाहर आया तो ला तालमून शैया, इंसान तो कुछ नहीं जानता था। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा वर्रासखूना फिल इल्म, और ये वो शख्सियतें हैं जो इल्म में उतरी हुई हैं। इल्म इनमें नहीं उतरा हुआ है भाई, समुंदर जारी है। अब गुजरात के बाशिंदों को समुंदर समझाना बहुत आसान बात है, समुंदर जारी है। उस समुंदर में अगर आपने एक गिलास डाला, पानी निकाल लिया, तो अब वो एक गिलास पानी है। लेकिन अगर गिलास समुंदर में डाल दीजिए तो जो समुंदर की हैसियत है वही उस गिलास की भी हैसियत है। तुम जस्ता जस्ता आओगे, थोड़ी थोड़ी मकदार में इल्म पाओगे, लेकिन ये वो शख्सियत है जिनमें इल्म नहीं उतरा है, दरियाए इल्म जारी है, इल्म में ये उतरे हुए हैं। जब ही जब सामने आने वाले अफराद ने कहा, या अली आप कुछ सोचते नहीं, पूछने वाला पूछ रहा है, आप जर्रा बराबर भी एक लम्हा भी जाय नहीं करते, फौरन बता देते हैं। मौला ने भी कहा कि बता तेरे हाथों में कितनी उंगलियां हैं, कहा 10। का कैसे बता दिया, सोचा नहीं, तसव्वुर नहीं किया, ख्याल नहीं किया। अरे मौला ये भी कोई सोचने की बात है, ये तो दसों हरदम मेरे पास रहती हैं। कहा जिस तरह तुम्हारे पास 10 उंगलियां हरदम रहती हैं वैसे ही पूरी कायनात मेरे पास रहती है। तवज्जो है ना, वैसे ही पूरी कायनात मेरे पास रहती है। तो ये वो शख्सियतें हैं जो इल्म में उतरी हुई, इल्म इनमें नहीं उतरा, इल्म में ये शख्सियतें उतरी हुई हैं। और ये इंसान ये जानता ही नहीं कि हमारी औकात क्या, ये इंसान समझता ही नहीं कि हमारी वक़्त क्या, ये इंसान जानता ही नहीं कि अल्लाह ने इसे अशरफ बनाया है। तो जब ये इंसान तू नहीं जानता तो फिर सुन, हमने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, हमने तुम्हें देखने के लिए आंखें दी, हमने तुम्हें हकायक व मदालिब के इदराक के लिए दिल दिए। क्यों दिए? लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम अपने अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। यानी अब भी परवरदगार का मुतालबा। अजीजाने मोहतरम होता क्या है, फला साहब ऐसे हैं,
जाइएगा मत उनके करीब। देखिए अच्छा मानने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं, देखिए फला साहब ऐसे हैं, फला साहब ऐसे हैं, एक उंगली उठा के दूसरे के गरेबान की तरफ, ये इंसान है जब अपनी वैल्यू खो देता है तो बताता, एक उंगली उठा के कहता है फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा, जबकि तीन उंगलियां उसके गरेबान की तरफ इशारा करती हैं। क्या है नादान, जरा अपने गरेबान में भी मुंह डाल के देख ले तू कैसा है, तू कैसा है, एक की तो मान रहा है तीन की नहीं मानता, ये तीनों उंगलियां गवाही दे रही हैं, जरा अपने गरेबान में मुंह डाल के देख कि तेरी हैसियत क्या है, तू कैसा है, तूने अपने को समझा नहीं, तूने अपना वकार जाना नहीं, हमने बता दिया कि यह इंसान जब पैदा किया गया निकाला गया माँ के शिकम से तो यह इंसान वो है जो कुछ भी नहीं जानता था, ये तो हमारा एहसान है कि हमने सुनने के लिए कान दे दिए, हमने देखने के लिए आंखें दे दी, हकायक मतालिब के इदराक के लिए दिल दे दिए। बहस टेढ़ी होगी तो इंशाल्लाह हमारे बुजुर्ग रहनुमाई करेंगे, तवज्जो फरमाइए इस मंजिल पर कि पहली मंजिल ये है कि हमने सुनने के लिए कान दिए। ए परवरदिगार तुझे जहालत पसंद है, आवाज आएगी जहालत तो मुझे पसंद नहीं है, कब फिर परवरदिगार सबको आलिम क्यों नहीं बना देता। अब तवज्जो जुमला दे रहा हूं क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहां उसूले दीन और मजहब पांच हैं, तनहा उसूले दीन तीन हैं लेकिन उसूले दीन और मजहब पांच हैं, तौहीद के बाद अदल हमारे यहां जरूरी है। परवरदिगार ऐलान करेगा, तुम पूछ रहे हो, तुम तो खुद ही मुझे आदिल मानते हो, तुम्हें तो पूछने का कोई हक ही नहीं है, जो हमें आदिल नहीं मानता, जो लोग हमें आदिल नहीं जानते उनको पूछना चाहिए कि सबको इल्म दे के क्यों नहीं भेज दिया, तुम आदिल मानते हो तो तुमको पूछने की जरूरत नहीं है। परवरदगार क्यों कहा, इसलिए कि मेरी अदालत का तकादा यह है कि जितना जैद को इल्म दूंगा उतना ही अहमद को दूंगा। भाई इंसाफ का तकादा यह है कि जब अल्लाह ने सबको पैदा किया है और इल्म भी अल्लाह दे रहा है तो सबको बराबर देगा, और अगर बराबर नहीं देगा तो अल्लाह आदिल रह ही नहीं सकता, और जब अल्लाह आदिल नहीं रह सकता तो फिर जाहिर है कि जो अपराध आदिल नहीं मानेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी दलील कायम हो जाएगी कि हाँ ठीक है ये तो मतलब अल्लाह को आदिल मानते ही नहीं, अल्लाह आदिल है ही नहीं, सबको इल्म बराबर कैसे देगा। ए परवरदिगार थोड़ा थोड़ा सबको दे देता, किसी को कम किसी को ज्यादा दे देता, कहा नहीं मैं आदिल हूं, आदिल आदिल से काम लूंगा, और जब आदिल से काम लूंगा तो सबको इल्म बराबर दूंगा। परवरदिगार सबको बराबर दे दे, क्या खराबी है, आवाज कुदरत आएगी जी नहीं, इल्म कोई दुनिया का चलता फिरता ओहदा नहीं है, इल्म इलाही ओहदा है, इल्म इलाही ओहदा है, तवज्जो फरमाइए, अल इल्मो नूरुन, इल्म अल्लाह का नूर है, तो जब इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह देगा सबको अगर बराबर दे देगा तो फिर सब मसावी होंगे, जब सब बराबर होंगे तो आका और गुलाम का पता नहीं चलेगा, यह भी तारीखी जुमला है, आका और गुलाम का पता नहीं चलेगा, हम तुमको इल्म हासिल करने की सलाहियत देंगे, सलाहियतें वदियत देंगे करेंगे, सुनने के लिए कान देंगे ये एक सलाहियत, देखने के लिए आंखें देंगे ये दूसरी सलाहियत, उतारने के लिए दिल देंगे ये तीसरी सलाहियत। अब इन तीनों जरिए से, तीनों सलाहियतों के जरिए से तुम्हें इल्म हासिल करना पड़ेगा, जैसा तुम इल्म हासिल कर लोगे वैसा ही तुम्हें ओहदा मिलेगा, वैसा ही तुम्हें मनसब मिलेगा, जैसा ओहदा हासिल कर लोगे, कैसे, इल्म के जरिए से, इल्म के जरिए से ओहदा हासिल करोगे। अब अजीजाने मोहतरम देखें और मुतवज्जे हों, पैगंबरे इस्लाम के जानशीन मौलाए कायनात हैं और मौलाए कायनात की आमद हो रही है, एक दरबार लगा हुआ, यहां तक के मौलाए कायनात जो हैं बोरिए पर बैठ के कायनात के दिलों के ऊपर हुक्मरानी फरमा रहे हैं, आने वाला एक मुजरिम आया और आके कहता है कि मैं गुनहगार हूं, मुझे पाक कर दिया जाए, बड़ी तवज्जो, मैं गुनहगार हूं मुझे पाक कर दिया जाए, इतना उसने कहा था कि मैं गुनहगार हूं मुझे पाक कर दिया जाए कि एक मर्तबा हाकिम ने कहा कोड़ा उठाओ,
लगाओ ताजियाना। कोड़ा उठाया गया ताजियाना लगाने के लिए, आदमी आगे बढ़ा कि उसने कहा कि मगर वही पाक करेगा जिसने आज तक ऐसा गुनाह न किया, है ना वाकया, वही पाक करेगा जिसने आज तक ऐसा गुनाह न किया हो। तनी हुए गर्दन झुकी, अब उसके बाद मजमे की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहा अच्छा इस मजमे में भी कोई ऐसा हो जो मुझे पाक कर सके तो आए। अभी तक तो साहिबान इस्लाम की गर्दन ऊंची थी, नीची हो गई। दो तीन शख्सियतें उठी, कहा इसने तो मतलब ये कि साहिबान इस्लाम को चैलेंज कर दिया, चलो चले। अब ये दो तीन शख्सियतें आई, मौला आया है अबू शहमा, कहा क्या कहता है, कहा मौला आँच आ रही इस्लाम पर, कहा कोई अगर साहिबान इस्लाम में ऐसा हो जो मुझे पाक करे तो मैं पाक होने के लिए आया हूं ताकि अजाब जहन्नम से बच जाऊं। मेरे मौला ने कहा चलो मैं आ रहा हूं, बेटा हसन तुम भी चलो, बेटा हुसैन तुम भी चलो। दोनों शख्सियतों को मौला ने लिया, लेके आए। अभी तक जो एक गर्दन उठाए खड़ा था, मौला को देखते ही गर्दन झुकी, और जितने मुसलमान गर्दन झुकाए हुए थे सारे मुसलमानों की गर्दनें बुलंद हुई। अरे रासखूना फिल इल्म उसे कहते हैं कि अगर देखे कि गर्दनें झुक गई मुसलमानों की तो बुलंदी अता कर दे। कहा मुसलमान गर्दन झुकाने के लिए नहीं आया है, क्यों, इसलिए कि इसने अपने अल्लाह के बारगाह में अपने गर्दन को झुका दिया है, सर को खम कर दिया है, अब किसी मंजिल पर ये अपना सर नहीं झुका सकता और कहीं अपनी गर्दन नहीं झुका सकता। चलो क्या कह रहे थे भैया, कहा पाक होने के लिए आया हूं, कहा दो कोड़ा दो। मौला ने कोड़ा उठाया, इमाम हसन इस्लाम से कहा कि दाहिना बाजू पकड़ लो, इमाम हुसैन इस्लाम से कहा कि बायां बाजू पकड़ लो। अरे मौला ये तो खुद ही मार खाने के लिए आया है, ये पकड़वाने की जरूरत क्या है। कहा तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, ये कयामत तक के लिए मैं कानून बना रहा हूं कि जैसे मोहम्मद थे वैसे ही अली हैं, जैसे अली हैं वैसे ही हसन और हुसैन हैं। वरना इसने पहले ही दावा कर दिया है, पहले ही कह दिया है कि मुझे वही सजा दे सकता है जिसने कभी ऐसा गुनाह न किया हो। मौला आए और आने के बाद सजा दी, और उसके बाद पूछ रहे बोल कैसा अपने को पा रहा है। कहा मौला खुदा के कसम ऐसी शख्सियत के हाथों पाक हो रहा हूं जिसके बारे में गुनाह का तसव्वुर भी गुनाह अजीम है। सोचिए अजीजान मोहतरम, अपना शरफ समझिए, अपना मकाम जरा समझिए कि कितनी अजमतों के हामिल आप हजरात हैं। कायनात में दूसरे अफराद को वो शख्सियत नहीं मिली, अल्लाह के फजलो करम से हमारी माओ ने और हमारी बापों ने ऐसा हमें पैदा कर दिया कि अब किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। अब जो आजादारी हम तक आ गई है उसे बचाना है, जो ईमान हम तक आ गया है उसे बचाना है, जो अकीदा हम तक पहुंच चुका है उसे बचाना है। मालूम है अजीजान मोहतरम कि हमारे लिए हमारा इमाम किस कदर मुतवज्जे होते हैं। हम जब अपने इमाम की बारगाह में हाथों को उठा के कहते हैं परवरदगार हम तेरी बारगाह में शिकायत करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका फक्द नबीयना, ए परवरदगार तेरा नबी मौजूद नहीं है हम शिकायत करते हैं, तेरा बलीग पर्दा गैब में है हम शिकायत करते हैं, खुदा के कसम याद रखिए हमारे लिए मजालिम हैं हम शिकायत करते हैं, हम पर सितम हो रहे हैं हम तेरी बारगाह में फरियाद कर रहे हैं। मसीहत एक मरतबा झूम के पूछती है मेरे बंदे बोल क्या चाहिए, हे मेरे बंदे बोल तुझे क्या चाहिए। अगर तू कहे तो पूरी कायनात को उसकी औकात बता दूं, मगर तुम्हें इस जमीन के ऊपर बाकी रखूं, क्यों, इसलिए कि तुमको मैंने उसी फाजिले तीनत से पैदा किया है जिससे मैंने मोहम्मद वाले मोहम्मद को पैदा किया। अपनी अजमत पहचाने ये इंसान, जरा देखे कि ये वकार क्या है और हैसियत क्या है इसकी। मगर होता क्या है, कहीं भी कोई इख्तिलाफ हो या ना हो, अकीदों के बारे में हम जरूर इख्तिलाफ पैदा करते हैं, कहीं कोई लड़ाई या झगड़ा हो या ना हो, फर्ज़ अदा के सिलसिले में हम जरूर आगे बढ़ जाएंगे। क्यों, इसलिए कि हमने मौला हुसैन को पहचाना नहीं। ये कुल तमहीदी पहलू से गुजर रहा हूं जिस सिलसिले मुझे आपकी खिदमत में गुजारिशात करनी, हमने मौला हुसैन को पहचाना नहीं है, हम जानते नहीं। क्यों नहीं जानते, जिस तरह उनकी मारिफत हासिल होनी चाहिए थी वैसी अभी हमें मारिफत हासिल नहीं हो सकी,
और इस सिलसिले में अजीजान मोहतरम दलील, जनाब सलमान जब मस्जिद से निकल के आ रहे हैं और बाहर लोगों ने पूछा कि बताओ मस्जिद में कौन कौन है, सबको बता दिया जनाब सलमान ने, का फलां फलां शख्सियतें मौजूद हैं, फलां फलां सहाबी रसूल मौजूद हैं, पैगंबर इस्लाम भी मौजूद हैं और एक ऐसा खूबसूरत जवान बैठा है जिसे मैं नहीं पहचानता, है ना बात सही। लोग दाखिल हुए, वाकया सब मजे में, लोग दाखिल हुए क्या देखा, मौला बैठे हुए। कहा या नबी अल्लाह सलमान को आप फरमा रहे हैं कि ईमान के दसवें दर्जे पर फाइज और ये इनको नहीं पहचानते, कहा बुलाओ जरा सलमान को। जनाब सलमान आए, कहा सरकार फरमाइए। कहा भाई तुम इनको नहीं पहचानते। कहा या नबी अल्लाह आप ही ने तो फरमाया है कि खुदा को किसी ने नहीं पहचाना, या नबी ने पहचाना या अली ने पहचाना, नबी को किसी ने नहीं पहचाना या अली ने पहचाना या खुदा ने पहचाना, और अली को किसी ने नहीं पहचाना या खुदा ने पहचाना या नबी ने पहचाना, तो ये मोहम्मद के कौल के मुताबिक सब मोहम्मद हैं। और जितनी शख्सियतें पाई जा रही हैं या मोहम्मद हैं या अली हैं, तो हम और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे पहचान सकते हैं। बस अजीजाने मोहतरम जर्रा बराबर पहचानते हैं तो फर्शे अदा बिछा लेते हैं, मातम कर लेते हैं, नौहा पढ़ लेते हैं, जाकिरी हो जाती है, मिंबर पर जाकिर आके जो कुछ 10 दिन के अंदर के लिए लेके आया रहता है वो आपके गोश गुजार कर देता है। ऐसा नहीं अजीजाने मोहतरम, कमा हक कहू हमें करबला की मारिफत होनी चाहिए, कमा हक कहू हमें इमाम हुसैन की मारिफत होनी चाहिए। 10 दिनों के अंदर कम से कम हमें फर्शे अदा के फजाइल मालूम होनी चाहिए, 10 दिनों के अंदर कम से कम हमें मजलिस के वक़्त मालूम होनी चाहिए, वकार मालूम होना चाहिए। 8वें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान मजलिस में जाके शामिल हो गया तो कबूलियत उम्मह, वो ऐसा हो गया जैसे उसकी मां के शिकम से वो अभी बाहर आया हो, यानी कोई गुनाह उसके ऊपर रह ही नहीं जाता। इसलिए मैं अपनी तरफ जब खिताबत करता हूं तो ये आम तौर से, अभी मेरा मैटर चल रहा था, आम तौर से कहता हूं कि फरीज़े अजरे रिसालत की अदायगी का बेहतरीन जरिया महाफिलो मजालिस। इस फरीज़े अजरे रिसालत की अदायगी का वाहिद नहीं, बेहतरीन जरिया महाफिलो मजालिस हैं। ये महाफिल और ये मजालिस हमारी मोहब्बतों और मवद्दतों का सबूत हैं। हम मजालिस और महाफिल के ज़रिए से ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक किससे है, हमारा ताल्लुक किन शख्सियतों से है। अगर हम महाफिल और मजालिस में वाकियान और हकीकतन शिरकत करें तो जितनी देर तक बैठे रहेंगे उतनी देर तक कोई गुनाह नहीं होगा, और जब गुनाह नहीं होगा तो यहाँ आने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो अब हमारे ऊपर कोई गुनाह बाकी रह ही नहीं जाएगा। जब गुनाह बाकी रह ही नहीं जाएगा तो ऐसे रहेंगे जैसे अभी पैदा हुए। और फिर अगर इधर उधर फिर गए, चलो ठीक है, कल भी परसे अजल बिछाया जाएगा, कल भी मजलिस होगी, कल भी शरीक हो लेंगे, आज गीबत कर लो, आज बोहतान बांध लो, आज इल्जाम लगा लो, आज झगड़ा कर लो, आज लड़ाई कर लो, फिर उसके बाद जब कल आएगा फिर पाक हो लेंगे। तो कम से कम ये तो याद रखिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब मलकुल मौत तशरीफ लाएं और अल्लाह का कब हुक्म हो और उसके बाद यहां से वहां लेके चले जाएं और हमें तौबा करने की भी नौबत नसीब ना हो, हमें गुनाहों को बख्शवाने का भी मौका ना मिले, मोहलत ना मिले। अजीजाने मोहतरम फर्श अज़ा पर आके आइए तो ये सोचिए कि ये फर्श अज़ा जिसके सिलसिले में हमने बिछाया है वो हमसे पहले आके बैठ चुका है, हमारा इंतजार कर रहा है। हम जरी सजाएं, अलम सजाएं तो हमारे जहन में यह तसव्वुर होना चाहिए कि मौला अब्बास अभी तक हम जो कुछ गुनाह कर चुके हैं उन्हें माफ़ फरमा दीजिए, अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं वो अल्लाह के बारगाह में माफ़ करा दीजिए, अभी तक हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा और इख्तलाफ था उसे ख़त्म करा दीजिए, अभी तक हम इत्तेहाद नहीं पैदा कर सके हैं तो हमारे अंदर बेहतरीन इत्तेहाद पैदा हो जाए, अभी तक हम वहदत के कायल नहीं हो सके हैं तो हम सबसे बड़े मुत्तहिद कहलाने लगें। और सच्चे दिल से अगर आके एक मोमिन यहाँ पर अज़ीज़ान मोहतरम यकजा होकर तमाम मोमिनीन के मजमे में रोजाना मजलिसों में अगर हाथों को उठा के ये दुआ करे तो फिर ये याद रखिए कि वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है, वरना इस इंसान की जिंदगी गुजरती चली जाएगी और अल्लाह इस इंसान की औकात बताता चला जाएगा। इंसान को यह सोचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमने फर्शे अज़ा बिछाया है तो किस लिए बिछाया है, हमने ये मजलिसें कायम की हैं तो किस लिए मजलिसें कायम की हैं, हमने जो कुछ माहे अज़ा में या अय्यामे अज़ा के दौरान अखराजात किए हैं वो सही मसरफ उनका है या नहीं।
अगर ये सब नहीं सोचेंगे तो फिर बताइए अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान हमारा तकाजा करेगा, तकवा हमारा पुकारेगा, इंसानियत गरेबान थामेगी, और इस्लाम कहेगा कि तुम कैसे मुसलमान हो, ये भी नहीं जानते कि ये जितने रुकूम हैं किन चीज़ में, किन चीज़ों में सर्फ कर रहे हो, ये जो मद्दात हैं कहाँ पे खर्च कर रहे हो। अगर हम ये सोचें अजीज़ान मोहतरम फिर उसके बाद खर्च करें, तो फिर ये याद रखिए कि हमारे लिए हर तरह की दुनिया में भी कामयाबी है और हर तरह की आखिरत में भी कामयाबी है। और अगर हम ये ना सोचें, ज़रा सा ये देखें कि किसी ने, मतलब ये है कि 25,000 का जाकिर बुलाया, हम 30,000 का बुलाएंगे, किस लिए? ये सोच के हम बुला रहे हैं ना कि 5,000 तुमसे आगे, अब क्या होगा? और जितने जाकिरीन हैं अज़ीज़ान मोहतरम, आमतौर से जिन्होंने अल्फाज की फरावानी और चर्ब जबानी के जरिए से इन मजालिस और महाफिल को तिजारत का बाजार बना लिया है, खिताबत का गलत इस्तेमाल करके, याद रखिए उनको दुनिया में कामयाबी है ना आखिरत में कामयाबी है, वो दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। ये तो बहरहाल मोमिनीन का फर्ज है, और हमारे इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत रही है कि जब भी किसी जाकिर को बुलाते थे तो तबर्रुकन उसे नवाजते थे, तबर्रुकात से उसे नवाजते थे, ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि जिन शख्सियतों के जाकिरीन इतने मोतबर हैं वो अइम्मे मासूमीन कितने मोतबर हों। और आज भी हर मोमिन का यह फर्ज बनता है कि वो इस तरह जिंदगी गुजारे कि दुनिया इनको देखे और अमीरुल मोमिनीन को याद करे। गुलामों को ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि जब ये दुनिया में जिंदगी गुजारे तो दुनिया देख के कहे कि जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो इमाम कितना अच्छा होगा। मोमिनीन को ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि दुनिया देख के कहे कि जब मोमिनीन इतने अच्छे हैं तो अमीरुल मोमिनीन कितना अच्छा होगा। मासूम फरमाते हैं, और खसूसियत के साथ सादिक़े आले मोहम्मद फरमाते हैं कि तुम्हारे इलाके में दूसरे मजाहिब के अफराद अगर पाए जाते हों, दूसरी मिल्लत के पाए जाते हों, दूसरी कौम के पाए जाते हों, दूसरे कबीले के पाए जाते हों, और तुम भी उसमें पाए जाते हो, अगर तुम में और उनमें आमाल के एतबार से कोई फर्क नहीं नजर आता तो फिर ये याद रखो कि हमारी नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं। यानी इमाम के कहने का मतलब यह है, इमाम के कहने का मतलब यह है कि अगर तुम हजारों हजार की आबादी में हो और सिर्फ एक हो, एक हमारे मुहिब, एक मेरा चाहने वाला अगर हो, तो आमाल में और अकीदे में उन तमाम अफराद से उसे बुलंद होना चाहिए, ताकि उस एक शख्स को देख के दुनिया कहे कि ये इतना अच्छा अमल कर रहा है, इतना अच्छा इसका किरदार है, इतनी अच्छी इसकी सीरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा एहसास हो, इमाम हर लम्हा हमें बताना ये चाहते हैं कि अगर हमारी सीरत अपना लोगे, हमारा किरदार अपना लोगे, तो तुम याद रखो कि दुनिया देख के तुम्हें भी अच्छा कहेगी, हमें भी अच्छा कहेगी। लेकिन अगर तुमने अपने आमाल बिगाड़ लिए, हमारी सीरतों पर तुमने अमल नहीं किया, हमारे किरदार को अपनाया नहीं, तो फिर ये याद रखो, कूनू लना ज़ीना वला तकूनू अलैना शैना, तुम हमारे लिए दुनिया में जीनत का बाइस बनना, हमारे लिए नंगुआर और जिल्लत का बाइस मत बनना, इज्जत का बाइस बनना, इज्जत का बाइस। अगर तुम इज्जत का बाइस बनोगे तो दुनिया तुमको देख के कहेगी कि जब मोमिनीन इतने अच्छे हैं तो अमीरुल मोमिनीन कितने अच्छे। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िमनन मैंने आज ये अर्ज कर दिया इसलिए कि ये फर्श अज़ा और ये मजलिस और ये आजादारी इतना मोतबर रिश्ता है कि मुसाफिर को हाजिर बना देता है, पराए को यगाना बना देता है, अजनबी को सबसे बड़ा वाकिफकार बना देता है, और ये सब कुछ अतिया है मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फजाइल मसाइब का। ये वो चीजें हैं, ये वो जरिए हैं, ये वो असबाब हैं कि जिनके जरिए से न जाने कहां कहां के अफराद जुड़ जाते हैं। मैं भी माशाल्लाह आपकी आबादी और आपके मोमिनीन की बहुत ज़्यादा तारीफ सुना करता था, और हमारे बुज़ुर्ग बहुत माशाल्लाह यहां आ चुके हैं, बराबर आप हजरात से वो भी मुस्तफ़ीद हुए हैं, उनसे आप हजरात भी मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, और माशाल्लाह इसमें नौजवानों का भी मजमा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए उसी मुनासिबत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वो रिश्ता है जिसे कोई इंसान काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। न जाने कहां कहां के अफराद
इस रिश्ते अकीदत की बुनियाद पर यूं मुंसलिक हो जाते हैं कि फिर तमाम मोमिनीन गवाही देने के लिए आमादा होते हैं कि हाँ यकीनन ये मौला का चाहने वाला है, और ये बालाए मिंबर आके मौला से कहता है कि मौला ये सब आपके चाहने वाले हैं। और जहां एक मोमिन किसी दूसरे मोमिन के सिलसिले में गवाही दे दे तो कसम है शहादत नामे की, कसम है शहादत नामे की, मौत को हम जल्दी याद नहीं रखते ना, कसम है शहादत नामे की, अल्लाह ऐलान करता है अगर 40 मोमिनीन किसी मोमिन के बारे में गवाही दे दें कि ये अच्छा है तो मुझे शर्म आती है कि मैं उसे माफ न करूं। लिहाजा ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि मोमिनीन हमारी तरफ बढ़ें, ऐसी हयात गुजारनी चाहिए कि मोमिनीन हमारी तरफ आमादा हों, ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि हम पर नमाज मैयत पढ़ने के सिलसिले में किसी मोमिन को जर्रा बराबर काहली ना हो, ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि किसी मोमिन को शहादत नामे पर दस्तखत करने में इन्हराफ ना हो। तवज्जो फरमाइए, किसी मोमिन को दस्तखत फरमाने पे जर्रा बराबर एतराज ना हो और इन्हराफ ना हो, और जब दुनिया से उठ जाए तो फिर वही मोमिन आके आगे बढ़े और कहे अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा, ए परवरदगार हम तो इसके बारे में खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। कब होगा अजीजो बताओ, कब होगा? ये उस वक्त होगा जब हमारे दिल में हमाहंगी होगी, जब हमारी अकीदतें दूसरे की अकीदतों से, तवज्जो फरमाइए, मुकम्मल मुत्तसिल हो जाएंगी, जब हम 10 गालियां सुन के दुआ देने के लिए आमादा रहेंगे, जब हमारा गरेबान कोई पकड़ेगा तो हम उसे दुआ करेंगे, जब हमें 10 गालियां कोई देगा तो हम उसे झुक के सलाम करेंगे। तवज्जो फरमाइए, अगर आपको सरकार की मोहब्बत का दावा है और आप ये कह रहे हैं कि सरकार गालियां देने वालों को दुआएं दिया करते थे तो हम उनके गुलाम हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि गालियां सुनते जाएं, दुआएं देते चले जाएं। जब दुआएं देते चले जाएंगे तो फिर ये याद रखिए ज़िदाने मोहतरम, वही अंबिया वही इम्मा अलैहिस्सलाम पुकार के कहेंगे परवरदगार तू गवाह रहना, अगर इनको तूने हमारी फाजिले तीनत से बनाया है तो ये भी वैसे ही हैं जैसे हम, ये भी वैसे ही हैं जैसे हम हैं, लिहाजा जहां हमको महसूर करना वही इन्हें भी महसूर करना। इसीलिए हम जब सलावात पढ़ते हैं तो यूं सलावात पढ़ा करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना माहुम, ये रोज दुआ की जाती है ना, ए परवरदगार उन्हीं के साथ हमें महसूर करना। खुसूसियत के साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने नौजवानों से ताकि बाकायदा तौर पे जो इनके अंदर जज्बे एहसास और जज्बे अकीदत पाया जाता है कल से उसका खूब इजहार करें, इसलिए कि वो गुनाह नहीं है, बाकायदा तौर पर उसका इजहार भी अलामत है कि हमारे बाप भी अच्छे हैं, हमारी माँ भी अच्छी, वरना दुनिया की चलती फिरती माएँ इतनी अच्छी औलादे नहीं पैदा करती कि वो बगैर किसी अजीज़ान मोहतरम कोशिश के यहाँ चली जाएँ। यहाँ जो आता है वो खुद बाफजल होता है, यहाँ वही आता है जो साहिब शरफ होता है, यहाँ वही आता है जो अल्लाह की निगाह में मोमिन होता है, यहाँ वही आता है जो अल्लाह की निगाह में साहिब अकीदा होता है, यहाँ वही आता है जो मुत्तकी परहेजगार होता है। मैंने रवायत देखी है और रवायत की किस्में आपके हवाले करना जानता चाहता हूँ। वो मंजिल ये कि पूछने वाले ने पूछा मौला ये बताइए, मौला ये बताइए आपके चाहने वालों के अंदर क्या क्या खसूसियतें होनी चाहिए। मामूली मंजिल नहीं आज की ये गुफ्तगू और ये मजलिस, इसीलिए है ताकि बाद में फिर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ना हो और आप हजरात बाकायदा मेरी गुफ्तगू की वो अपने आले समात में बसा लें और समझ लें कि कैसे बोलूँगा, इंशाल्लाह ये जहन में रहे आपके, इसलिए कि हमें हक़ मिंबर अदा करना रहता है। और यही सबब है शायद क्या कहते हैं ताहिर भाई या मेहदी भाई, ये दोनों हजरत मुझसे पूछ रहे थे क्या आप लेंगे, मैंने कहा मैं तिजारत नहीं करता हूँ, मिंबर की फजीलत है और उसके बाद अदा कर देता हूँ। बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ तबरुक भी बंटवाना पड़ता है। सलवात पढ़ दें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, ये जहन में बात रखे रहिएगा। क़िबला मोहतरम मौलाना हादी साहब क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन तशरीफ़ फरमा है, हम लोग तरफ तो माहौल ऐसा बन गया है कि वहाँ तबरुक भी नहीं बंटता, हिस्सा बंटता है। मजलिस आज होगी और फिर उसके बाद दूसरे दिन तक लोग आते जाते रहेंगे, हमारा बाकी है, हमारा बाकी है, हमारा बाकी है। मैं भी एक जगह मजलिस पढ़ रहा था और मजलिस पढ़ते पढ़ते देखा मैंने कि जब आधी मजलिस पढ़ चुका तो मोमिनीन आ गए, उनका भी वाह
इतनी देर के बाद मुझको बैठाए होते ताकि आधा घंटा में पढ़ के उतर जाता। लोगों ने कहा नहीं मौली साहब आज तबरुक अच्छा बटने वाला। तो मैंने कहा ठीक है, जो बेचारे शुरू से बैठे हैं उनको तबरुक दे देना, जो बाद में आए हैं उनको हिस्सा दे देना। नहीं हंसने की बात नहीं, तवज्जो फरमाइए दीदाने मोहतरम, यहाँ का जो कुछ भी है अब यहाँ से सिलसिला गुफ्तगू का जो कुछ भी है वो तबरुक है, और इन्हीं तबरुकात के जरिए से आज हम कायनात में बाइज्जत हैं और बावकार। अगर ये तबरुकात हमारे लिए अतिया न बनते तो हमारे जिंदा इमाम से पूछने वाले एक मोमिन ने पूछा था, मौला ये फरमाइए आप हमारी निगरानी करते हैं? तो मौला ने पलट के पूछ लिया, बताओ तुम कितने हो दुनिया में? सुनिएगा बड़ी तवज्जो से, खास हमारे नौजवान सुने, कब मौला आप हमारी निगरानी करते हैं? मौला ने कहा, मौला ने भी पूछ लिया, कब बताओ दुनिया में तुम्हारी कितनी तादाद है? उसने भी बरजस्ता कह दिया, खाने में नमक के बराबर। कहा फिर सोच के बताओ, देखिए अब मैं नकले बिलमाना कर रहा हूं यानी तशरीह कर रहा हूं, सोच के बताओ यहूदियत कितनी है, सोच के बताओ ईसाइयत कितनी है, यानी मौला के पूछने का मतलब यह है कि सोच के बताओ इस्लाम के दुश्मन कितने हैं, सोच के बताओ दुश्मनाने ईमान कितने हैं, सोच के बताओ यहूदियत कितनी है, सोच के बताओ ईसाइयत कितनी है, सोच के बताओ अज़ा के मुखालिफिन कितने हैं। कहा मौला कुल तो वही है ही है। कहा जब तुम खाने में नमक के बराबर हो, हम अगर तुम्हारी हिफाजत न करते तो यह दुनिया चुटकियों में तुम्हें मसल न देती। आ, 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 आ,